नमस्कार दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि छोटी छोटी आदतें आपकी किस्मत को बदल सकती हैं? आज हम आपको बताएंगे ऐसी आदतें जो आपके जीवन पर बड़ा असर डाल सकती हैं। वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि ग्रहों को मजबूत करने के सबसे आसान उपाय क्या है, इसीलिए अंत तक जुड़े रहें। आपकी किस्मत आपके हाथों में है, बस जरूरत है सही आदतें अपनाने की। तो अभी से अपनी जिंदगी को बदलने का सफर शुरू करें। राहु और शनि जैसे ग्रहों की दशा से राहत पाने के लिए सफाई का विशेष महत्व है। वास्तु शास्त्र और ज्योतिष के अनुसार घर और उसके आसपास सफाई रखने से न केवल सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, बल्कि ग्रह दोष भी कम होते हैं। सड़क पर झाड़ू लगाना या कचरा हटाना ऐसा पुण्य कार्य है जिससे राहु और शनि की शांति संभव होती है। इसलिए सफाई को अपनी आदत बनाएं और अपने जीवन में सुख शांति को आमंत्रित करें। क्या आपको लगता है कि आपकी छोटी सी आदतें आपकी किस्मत पर बड़ा असर डाल सकती हैं? क्या आप जानते हैं कि कुछ गलत आदतों से आपके ग्रह कमजोर हो सकते हैं और जीवन में उलझने आ सकती हैं? क्या आप यह जानने के लिए तैयार हैं कि कौन सी आदतें आपके जीवन को प्रभावित कर रही हैं और कैसे आप इन्हें सुधार सकते हैं? क्या आप जानते हैं कि आपकी छोटी सी आदतें आपके ग्रहों पर गहरा असर डाल सकती हैं? क्या आपके जीवन में बार बार समस्याएं आ रही हैं? शायद आपकी आदतें ही आपकी किस्मत को बदल रही हैं। जानिए कौन सी बुरी आदतें आपके ग्रहों को कमजोर करती हैं और कैसे आप इन्हें सुधार सकते हैं। ग्रहों और आदतों का भी एक आध्यात्मिक कनेक्शन होता है। क्या आप भी रात में देर तक जागते हैं? क्या आपको लगता है कि यह सिर्फ एक आदत है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इससे शनि ग्रह पर असर पड़ सकता है और आपकी किस्मत पर बुरा प्रभाव डाल सकता है? जाने ऐसे कौन से छोटे छोटे बदलाव हैं जो आपकी कुंडली को सुधार सकते हैं। क्या आप भी गंदे जूते पहनकर बाहर जाते हैं? क्या इस आदत से आपकी किस्मत को नुकसान हो सकता है? क्या आप जानते हैं कि राहु और शनि जैसे ग्रहों पर इसका असर पड़ सकता है? इससे आपका धन और मान सम्मान प्रभावित हो सकता है। जानिए इसके सही उपाय और ग्रहों को मजबूत करने के आसान तरीके। आपका सबसे खराब आदत क्या है जो आपकी किस्मत को बिगाड़ सकती है? क्या आप उसे सुधारने के लिए तैयार हैं? अगर आप भी अपनी आदतों को बदलने की सोच रहे हैं तो वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हम आपको कुछ बेहद महत्वपूर्ण और शक्तिशाली उपाय बताने वाले हैं। अब तक आपने जो सुना वह सब आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है, लेकिन क्या आप जानना चाहते हैं कि आपकी आदतें कैसे आपके ग्रहों को मजबूत या कमजोर कर सकती हैं? चलिए देखते हैं। दर्शकों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहां पर हम आपको ज्योतिष, वास्तु और ग्रहों से जुड़ी जानकारियां के साथ साथ उनके समाधान के दिव्य उपायों की उत्तम जानकारी भी देंगे, ताकि आपकी जिंदगी में सुख और समृद्धि आए। हर नई वीडियो के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। गंदगी फैलाने की आपकी आदतें आपकी किस्मत को खराब कर रही हैं। आज हम इन बुरी आदतों और उनके दुष्प्रभावों पर चर्चा करेंगे, साथ ही जानेंगे कुछ उपाय जो आपकी किस्मत को बदल सकते हैं। क्या आप भी कभी नाखून चबाते हैं? क्या इससे आपके जीवन में तनाव बढ़ा है? अगर आप दांतों से नाखून चबाते हैं तो इससे चंद्रमा कमजोर होता है, इससे मानसिक तनाव बढ़ता है और अपयश का सामना करना पड़ता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि पैर घसीटने से आपके रिश्ते में तनाव आता है? पैर घसीटकर या टकराकर चलने से वैवाहिक जीवन में क्लेश बढ़ता है। ये आदत शुक्र और चंद्रमा पर नकारात्मक असर डालती है। आपके घर में भी जूते बिखरे रहते हैं? क्या आपके जीवन में कभी अचानक धन का नुकसान हुआ है? घर में जूते चप्पल बिखरे रखना राहु को कमजोर करता है, इससे बेवजह की दौड़ भाग और धन का नुकसान होता है। क्या आपने कभी बिखरे बर्तन को देखकर महसूस किया है कि यह आपके वित्तीय जीवन पर असर डाल रहा है? अगर रसोई में बर्तन और डिब्बे बिखरे हैं तो ये आपके धन हानि का संकेत है। धन बचाने के लिए किचन को साफ रखें। क्या आपने कभी गंदगी फैलाने की आदत को छोड़ने की कोशिश की है और क्या आपके जीवन में कोई बदलाव आया है? सड़क या मोहल्ले में गंदगी फैलाने से राहु और शनि कमजोर होते हैं, इससे जीवन में अनचाहे उतार चढ़ाव आते हैं और धन का नुकसान होता है। हमारी आदतें हमारे ग्रहों को मजबूत या कमजोर कर सकती हैं। तीखा खाना खाने से मंगल प्रभावित होता है और देर रात तक जागने से शनि का असर बढ़ता है, इसलिए सकारात्मक आदतों को अपनाना जरूरी है। क्या आपने अमावस्या के दिन घर की सफाई की है? क्या इससे आपके जीवन में बदलाव आया है? हर महीने अमावस्या के दिन घर की पूरी सफाई करें।
पुराने और बेकार सामान को हटा दें। इससे नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। अमावस्या की शाम को भगवद गीता के 11वें अध्याय का पाठ करें। इससे पितरों की शांति और घर में सुख शांति आती है। घर के साथ साथ मोहल्ले और समाज को भी साफ रखना जरूरी है। इससे आपका राहु और शनि मजबूत होते हैं। धन और मान सम्मान बढ़ता है। गंदे या टूटे फूटे जूते पहनने से राहु और शनि के दोष बढ़ते हैं, जिससे अनावश्यक खर्चे होते हैं। यदि आप गंदे जूते पहनकर किसी से मिलते हैं तो आपकी छवि खराब होती है और रिश्तों में तनाव आ सकता है। गंदे जूते चप्पल पहनने से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां जैसे त्वचा रोग और थकावट बढ़ सकती हैं। क्या आप जानते हैं इनको ठीक करने के उपाय के बारे में? आइए जानते हैं। हर सप्ताह अपने जूते और चप्पल साफ करें ताकि राहु और शनि के दोष कम हो सकें। फटे पुराने जूतों को घर में न रखें और इन्हें बाहर दान करें। हमेशा अपने जूते और चप्पल साफ सुथरे रखें। इससे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना चाहते हैं तो इन आसान लेकिन शक्तिशाली उपायों को अपनाकर आप अपने ग्रहों को सही दिशा में ला सकते हैं। क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में समृद्धि, शांति और सफलता की बयार आए? तो आइए जानते हैं कि कैसे प्रत्येक ग्रह के प्रभाव को सुधार कर अपने जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। सूर्य देवता के आशीर्वाद से जीवन में उजाला और ऊर्जा का संचार होता है। रविवार के दिन तांबे के बर्तन में जल अर्पित करें और लाल फूलों से सूर्य देव की पूजा करें। साथ ही गरीबों को तांबे के बर्तन या लाल वस्त्र दान करने से सूर्य के सकारात्मक प्रभाव में वृद्धि होती है और जीवन में समृद्धि आती है। चंद्रमा की शांति और सौम्यता का जीवन में गहरा प्रभाव होता है। सोमवार के दिन चंद्रमा को दूध और चावल अर्पित करें और सफेद फूल चंद्रदेव को अर्पित करें। जल में मोती डालकर चंद्रमा के मंत्र का जाप करने से मानसिक शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। मंगल ग्रह को मजबूत करने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी का पूजन करें और लाल चंदन या सिंदूर से उनका अभिषेक करें। लाल रंग की वस्तुओं का दान करने से मंगल के अशुभ प्रभाव को दूर किया जा सकता है और जीवन में शक्ति और साहस की वृद्धि होती है। बुध ग्रह के प्रभाव से बुद्धि, ज्ञान और संवाद में सफलता मिलती है। बुधवार के दिन हरी वस्तुएं पहने और गणेश जी की पूजा करें। हरी दाल या हरी चीजों का दान करने से बुध ग्रह की कृपा प्राप्त होती है और आपकी सोच में स्पष्टता आती है। गुरु ग्रह की कृपा से जीवन में सफलता और आशीर्वाद मिलता है। गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहने और पीले रंग के फूल अर्पित करें। गरीबों को पीला सामान या चने का दान करें, जिससे गुरु ग्रह का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होता है। शुक्र ग्रह का प्रभाव प्रेम, सौंदर्य और ऐश्वर्य में वृद्धि करता है। शुक्रवार को सफेद पुष्प अर्पित करें, सफेद वस्त्र पहने और माता लक्ष्मी की पूजा करें। इससे धन, समृद्धि और सौंदर्य में सकारात्मक परिवर्तन होता है। शनिदेव की पूजा से जीवन में संघर्षों को पार करना संभव होता है। शनिवार के दिन काले तिल और सरसों का तेल दान करें और पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाएं। शनि के प्रभाव से शांति और समृद्धि प्राप्त होती है। राहु ग्रह की छाया से जीवन में भ्रम और विघ्न उत्पन्न होते हैं। रात के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों तेल का दीपक लगाएं। काले और सफेद वस्त्र पहनने से राहु के नकारात्मक प्रभाव को दूर किया जा सकता है। केतु ग्रह के प्रभाव से जीवन में उतार चढ़ाव और विकार उत्पन्न हो सकते हैं। कुत्ते को भोजन कराएं, काले तांबे की वस्तु का दान करें और केतु के मंत्र का जप करें। इस उपाय से केतु का नकारात्मक प्रभाव कम होता है और जीवन में मानसिक शांति आती है। तो अब से अपनी आदतों में बदलाव लाकर आप न सिर्फ अपनी किस्मत को बदल सकते हैं बल्कि अपने जीवन को भी सुखमय और समृद्ध बना सकते हैं। क्या आप तैयार हैं अपनी आदतों में सुधार लाने के लिए? तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। फिर एक नई वीडियो में एक नए रोचक विषय और रहस्यमयी प्रेरणादायक विषय के साथ में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।